तो भाई लोग कैसे आप सभी लोग पागे में कौन नहीं वीडियो में रजन दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिल क्लाइंब रेसिंग। इसमें कि आपको याद होगा कि अभी मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि जो व्हीकल जिस वाले मैप के लिए बनाया मैं उसको उसी में चला रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है उसमें चलाने के लिए और भाई व्हीकल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलता है। तो अभी मैं ट्रैक्टर को चलाने वाला हूँ फॉरेस्ट में, क्योंकि भाई ट्रैक्टर में अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का मतलब ट्री, तो ये भाई यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए ही बना, देखते कि कितना ज़्यादा पावरफुल है फॉरेस्ट में किस टाइप से चलेगा। अब बना तो इसी के लिए तो भाई काफ़ी अच्छा इसको चलना चाहिए, जो कि अभी चल रहा है भाई काफ़ी इजली है, मतलब यहाँ पे तोड़ रहा है पेड़ों को, क्योंकि ये पेड़ मुझे वो क्रिसमस ट्री वाले लग रहे हैं मुझे, हाँ वही वाले, क्योंकि क्रिसमस डे पे नहीं लगाते हैं भाई लाइट वगैरह लगा के इसको सजा देते हैं, उस टाइप के ये कुछ ट्री लग रहे हैं मुझे देखने में। और ट्रैक्टर तो भाई अपना मतलब धुआं वगैरह छोड़ के चल ही रहा है, मतलब ट्रैक्टर तो खेती के काम आता है, ख़त्म भाई। अब नहीं भाई मतलब यार मेरा पीछे से सेट वगैरह सब टकरा गया था, बट फिर भी मैं आउट नहीं हुआ भाई, ये इसलिए शायद कि मुझे इस ट्री ने बचा लिया भाई, ट्री यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मुझे बचा भी लिया इन्होंने। और यहाँ पे यार मतलब इसको क्या बोलते हैं, साइलेंसर ही बोलते हैं ना, मुझे ट्रैक्टर का नहीं पता है, साइलेंसर ही बोलते शायद इसको, मोटरसाइकिल मुझे पता है भाई जो धुआं छोड़ता है उसको साइलेंसर बोलते हैं, तो वो यहाँ पे उड़ चुका है देखो भाई, पूरे ट्रैक्टर में से ही धुआं निकलने लगा, कि ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता होगा यार, क्योंकि इतना ज़्यादा यार इसका इंजन बड़ा होता है ना। अब ट्रैक्टर की स्पीड तो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट भाई हर जगह पर ये चल रहा है, और मेनली भाई ये उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए तो बना होता है ट्रैक्टर, देखो ना इसका पिछला टायर कितना ज़्यादा बड़ा है, जंबो है बिल्कुल, और फ्रंट टायर कितना ज़्यादा स्मॉल है भाई, बिल्कुल छोटा सा है, और भाई चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यही है यार इसकी मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब एकदम हवा में चले जाते, देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम देखो आगे से उठ जाता है बहुत ज़्यादा, ख़त्म पता नहीं क्यों, और ख़त्म भाई ये आगे के उठने की वजह से ही मेरा काम तमाम हुआ है, अगर मतलब आगे से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब नीचे ही रहे तो मैं आउट ही ना हूँ इसमें, बट यार आगे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ ये उठता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट भाई पावरफुल तो ये है इस वाले मैप के लिए। अब मैंने इसको शायद एक बार आर्टिक में चलाया था जिसके लिए भाई बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, बट इस वाले के लिए भाई फॉरेस्ट के लिए बिल्कुल बेस्ट है, चलने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट ये यार कि जो आगे से इतना ज़्यादा उठता है, और वो भाई हर ट्रैक्टर उठता है, रियल वाले ट्रैक्टर भी उठते हैं भाई आगे से, अगर पीछे ज़्यादा वजन देते तब उठते हैं, पर भाई इसके तो कोई वजन वगैरह है नहीं, इसमें तो ट्रॉली नहीं लगी, फिर भी क्यों आगे से उठता है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, चलना भी अच्छे चाहिए भाई, क्योंकि इसी वाले मैप के लिए बना है। अब देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा स्कोर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक बार ट्राई मैंने किया जिसमें मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया, मैं आउट हो गया था, और भाई मैं बचा काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल से था, मैं तो स्टार्टिंग में ही आउट हो जाता, और भाई ट्री की वजह से मैं यहाँ भी बच चुका था, बट इस बार भाई ट्री मेरा सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हर बार नहीं ट्री बचाएंगे यार, अगर किसी बार उसने बचा लिया तो ठीक है भाई किस्मत अच्छी थी, बट हर बार वो नहीं बचाने वाले, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा समझ के चला रहा हूँ, देखते हैं कितनी ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। ऐसे ट्रैक्टर चलाने में उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक तो ये स्लो है और ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है ना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलाना पड़ता है कि अच्छा स्कोर बनाने के लिए। देखो आगे उठ जाता है बिल्कुल, मुझे मतलब ब्रेक मार मार के काम लेना पड़ रहा है, एकदम मैं आगे भी नहीं चला सकता, क्योंकि भाई एकदम इतना ज़्यादा आगे से उठता है ना, पता नहीं क्यों भाई, जबकि ज़्यादा वजन तो इसके आगे आप मतलब नोटिस करोगे तो भाई इसका मतलब आगे का टायर भी छोटा है, पीछे का टायर भी बड़ा है, पीछे तो इंजन नहीं है भाई, इंजन तो आगे ही है, तो ज़्यादा वजन तो इसके आगे ही है, तो इसको आगे ही झुका हुआ रहना चाहिए, बट भाई ये एकदम से पीछे की तरफ उड़ जाता है, पता नहीं क्यों, बात तो सही है क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, बट भाई पीछे काफ़ी ज़्यादा उठता है ये, अगर थोड़ा सा और स्टेबल होता ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में, और थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट होती तो अपन धड़ल्ले से आगे निकल जाते, बट ऐसा कुछ तो नहीं है, अपन काफ़ी ज़्यादा आराम से चला रहे, जैसे एक अच्छा स्कोर हम बना पाए, मैंने न्यू रिकॉर्ड बना दिया, पिछला वाला रिकॉर्ड तो मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, बट देखते हैं यार अभी एक अपन आगे कितना ज़्यादा दूर तक जा पाते हैं, और यहाँ पे जो 1700 मीटर दिख रहा है इसको अपन क्रॉस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है भाई, इतना ज़्यादा ईजी तो मुझे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ट्री और बिल्कुल पहाड़ है, यहीं से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं निकल पाऊँगा भाई पूरा ही, मुझे तो अभी लगा था मैं यहीं पर आउट जाने वाला हूँ, बट मैं बच गया भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ। अब मुझे पता है कि आपको देखने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अरे इतना ज़्यादा उठ रहा है ना कि अगर मैं फास्ट चलाऊंगा तो गिर जाएगा, और अपना मोड़ भी गया तो भाई अपने को पेट्रोल की चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है, और भाई डर है तो यही यार कि इसको स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं कितनी ज़्यादा दूर तक ये जा पाएगा। अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट ये यार कि जो आगे से उठ रहा है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको मतलब आराम से चलाओगे ना तो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है, और आपको पेट्रोल की भी दिक्कत नहीं होगी, कि आप आराम से चलाओगे तो भाई आपको पेट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। देखो जैसे कि मुझे भी हर बार पेट्रोल मिल रहा है, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल ना मिला, पेट्रोल मुझे हर बार मिल रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब ये हवा में तो उड़ेगा नहीं, इतना ज़्यादा भारी है, इसकी स्पीड भी स्लो है, तो भाई हर बार मुझे मिल जा रहा है। अब मैं शायद आउट ही होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो आगे वाली पहाड़ी है इसके ऊपर ये चढ़ पाएगा, चढ़ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर ये चढ़ पाएगा, हाँ यही वाली पहाड़ के ऊपर, कि हाँ इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है इसके ऊपर इसके मुश्किल हो जाएगा। चढ़ गया भाई, चढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, फॉरेस्ट के लिए ही बिल्कुल बनाएंगे, मुझे लगा था नहीं चढ़ पाएगा, बट देखो ये
भाई काफी ज्यादा अच्छा है, ट्रैक्टर में पावर है। अगर यहाँ पे आउट होते ना तो गलती मेरी होगी भाई, ट्रैक्टर की नहीं। ये ट्रैक्टर तो काफी ज्यादा इजली चढ़ रहा है, ट्रैक्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखो हर जगह चढ़ रहा है, जहाँ चढ़ा रहे हैं वहीं चढ़ा। देखो यहाँ भी चढ़ गया ये। और शिट भाई, बट यही मैं बता रहा था ना, ये घूमता काफी ज्यादा है यार। यहाँ पे मैं आउट हो चुका हूँ, 767 मीटर तक मैं पहुँचा। इसके आगे मैं नहीं खेलने वाला हूँ क्योंकि मैं बोर हो चुका भाई इसको खेल खेल के। तो ठीक है, आपको हम बताएंगे आप इसमें कितनी ज़्यादा दूर तक पहुँच सकते हो फॉरेस्ट वाले मैप में। और अगर वीडियो में मजे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं चलाने वाला हूँ किसी न्यू व्हीकल को किसी न्यू मैप में। तब तक के लिए बाय बाय।